हेलो टू एवरीवन, वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन इज मेड बाय मींस ऑफ सुपरलेटिव। द थिंग्स कंपेयर शुड इंक्लूड द क्लास ऑफ थिंग्स विच इट इज कंपेयर्ड। अगर कहीं कंपेरिजन है तो ठीक, कंपेरिजन इज मेड बाई सुपरलेटिव। थिंग्स कंपेयर शुड इंक्लूड द क्लास ऑफ थिंग्स इट इज कंपेयर्ड। तो एग्जाम्पल में देखिए, ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन। नो, अब यहाँ पे सुपरलेटिव है ना, तो कंपेरिजन का कोई मीन्स नहीं होता है कि यहाँ अदर लगा दिया। ठीक, तो ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन, तो ये होगा करेक्ट सेंटेंस। अब 47 नेक्स्ट देखिए, 47 देखिए, 47 ठीक। वेन कंपेरिजन इज मेड बाई मीन्स ऑफ ठीक, MEAN ऐसे लिखा है। ठीक है, ऑफ कंपेरेटिव, द थिंग्स कंपेयर्ड शुड बी एक्सक्लूड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग्स विद विच इट इज कंपेयर्ड बाई यूजिंग अदर और सम सच वर्ड। तो देखिए एग्जाम्पल, ही इज क्लेवरर देन एनी बॉय इन द क्लास। तो क्लेवर कंपेयर्ड यूज हुआ है, तो कंपेरेटिव यूज होगा, तब यहाँ पे अदर का यूज लगेगा। अगर सुपरलेटिव है, जैसे पिछले में बताया था ना मैंने, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, ठीक, क्लास ऑफ थिंग्स विद विच इज कंपेयर्ड बाय यूजिंग अदर, अदर को यूज करेंगे और सम यूज करेंगे। तो देखिए ये करेक्ट हुआ, ही इज क्लेवर। तो करेक्ट सेंटेंस बताती हूँ मैं, देखिए इसको, ये आया। ठीक, ये हुआ, ही इज क्लेवर, क्लेवर लगेगा देन एनी अदर बॉय, अदर ठीक, कंपेरेटिव के साथ अदर का यूज मस्ट है। ठीक, तो देखिए ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस। अब 46 देखिए, 48 ठीक, व्हेन टू पर्सन और थिंग आर कंपेयर्ड इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द सम पार्ट ऑफ थिंग शुड बी कंपेयर्ड। तो जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में, द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली। तो टू जैसे पढ़ा था, कंपेयर इम्पॉर्टेंट दैट द सम पार्ट ऑफ थिंग्स शुड बी कंपेयर। तो पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे है ना, ना कि बॉम्बे से दिल्ली कंपेयर हो रहा है, बल्कि पॉपुलेशन से उसके हो रहा है। तो करेक्ट ये होगा, पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के पॉपुलेशन से बॉम्बे का पॉपुलेशन कंपेयर किया जा रहा है ना, तो सेम कंपेयर को कंप्लीट लिखेंगे। ठीक, अब 49 देखिए, नाउ वी गो टू द 49 पॉइंट। ठीक, डबल कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज्ड। तो देखिए सेंटेंस में, दो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव नहीं यूज होंगे एक साथ। ठीक है, जैसे कि थ्योरी में लिखा हुआ है, इसको पढ़िए देखिए, इसकी एग्जांपल देखिए, ये मोस्ट है, ये नहीं यूज होगा, क्लेवरेस्ट एंड मोस्ट, डबल कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव है, ये कंपेरेटिव सुपरलेटिव कॉन्सिक्वेंटली एक साथ नहीं यूज हो सकता है। ठीक, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ आपको समझ में आ जाए। तो देखिए एग्जाम्पल, ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। तो देखिए इसमें मोस्ट और क्लेवरेस्ट, हेयर आर टू सुपरलेटिव्स। ठीक, तो दो सुपरलेटिव्स और दो कंपेरेटिव एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, जैसा कि इसमें रिस्ट्रिक्शन है। तो ही इज द मोस्ट को रॉन्ग कर देंगे, क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास की करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। ठीक, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मोस्ट को हटा देंगे। ठीक, अब डबल कंपेरेटिव देखिए, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। तो कंपेरेटिव तो वाइजर भी है और मोर भी है, तो इसमें मोर को हटा देंगे, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर, तो ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ओके, देखिए अब नेक्स्ट 50
द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स सुपीरियर इन्फीरियर सीनियर जूनियर प्रायर एंटीरियर पोस्टीरियर प्रिफर एक्सेट्रा शुड बी फॉलोड बाई टू इंस्टेड ऑफ देन. अब ये एग्जेक्टिव्स हैं सुपीरियर इन्फीरियर सीनियर जूनियर प्रायर एंड एंटीरियर पोस्टीरियर प्रिफर, ये हमेशा टू को प्रिफर करेंगे, फॉलोड बाई टू देन नहीं फॉलो होगा, देन का यूज़ नहीं करेंगे. ठीक, ही इज़ सीनियर देन मी, तो ही इज़ सीनियर टू मी, जैसा कि पहले सेंटेंस में बताया था सीनियर टू मी होगा. ओके, तो ये करेक्ट रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा. और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे मैंने बताया था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 51 देखिए, 51 एडजेक्टिव लाइक यूनिक आइडल परफेक्ट कंप्लीट यूनिवर्सल इंटायर एक्सट्रीम ठीक चीफ फुल स्क्वायर एंड साउंड विच डोंट एडमिट डिफरेंट डिग्री ऑफ कंपैरिजन. तो ये सब कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं ले सकते हैं. ठीक, तो शुड नॉट बी कंपेयर, तो जब कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, तो इनको कंपेयर नहीं करेंगे. तो ही इज़ अ यूनिक थिंक, दिस इज़ अ करेक्ट. यूनिक तो ऑलवेज ही यूनिक ही है, वो तो कंपेरेटिव किसी से किया ही नहीं जा सकता ना यूनिक चीज़ को, तो द मोस्ट नहीं लगाएंगे. ही इज़ अ यूनिक थिंग, ये है होगा करेक्ट सेंटेंस. ओके, तो नेक्स्ट देखिए 52. ऑल द एडजेक्टिव्स विच रिफर टू द सेम नाउन शुड बी इन द सेम डिग्री ऑफ कंपेरिजन. एग्जाम्पल ही देखिए, All the adjectives which are referred to same noun should be same degree of comparison. He is the wisest and a honest worker in the office. तो he is the wisest and, तो wisest था ना degree, तो इसी same degree next conjunction के बाद लगाएंगे. ठीक, तो most honest हो जाएगा worker in the office. तो ये होगा फिर correct. ऑनेस्ट के आगे मोस्ट लग जाएगा, तो ये पूरा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा. अब 53 देखिए, 53 एल्डर एंड एल्डेस्ट का यहाँ पर फंडा है, तो इसको देखिए. ठीक, यस यस देखिए, इसको बिल्कुल सही है, अच्छे से इसे ध्यान से देखिए. 53 एल्डर एंड एल्डेस्ट शुड बी used for person only strictly speaking. ठीक, they are used for the members of the same family only. तो older oldest are used for both person or thing. तो elder and eldest persons के लिए हमेशा use करना है, which are used for the members of the same family की होनी चाहिए. ठीक है, सेम फैमिली के लिए. अब ओल्ड ओल्डेस्ट ओल्डर ओल्डेस्ट बोथ पर्सन और थिंग के लिए, जैसे एग्जांपल ही इज़ माय ओल्डर ब्रदर, तो ओल्डर इज़ अ फैमिली ना, सेम पर्सन सेम फैमिली, सो वी यूज एल्डर एल्डर इसको. अब नेक्स्ट देखिए, ई पार्ट ई में आ गए यूजेस ऑफ एडवर्ब्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अब 54 पॉइंट देखिए, टू मॉडिफाई अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब वी यूज़ एन एडवर्ब. ठीक, मोडिफाई वर्ब को मोडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव, फिर उसके बाद एडवर्ब, देन यूज एडवर्ब, पहले एडजेक्टिव फिर एडवर्ब. शी राइट्स वेरी केयरफुल, तो देखिए ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि वर्ब के बाद एडजेक्टिव फिर एडवर्ब, एडवर्ब यूज़ करना है यहाँ पर. तो शी राइट्स वेरी केयरफुली, ये होगा करेक्ट ऑर्डर, वर्ब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. ठीक, 55 पॉइंट देखिए, 55 पॉइंट ठीक, टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड, टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड एंड इट इज यूज विद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स. ठीक, सो वी कांट यूज टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लीजेंट, टू हेल्दी, क्योंकि टू जो है वो अनप्लीजेंट मीन्स निगेटिव थिंग के लिए यूज़ हो रहा है ना. आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, तो जैसे कि कहा था टू ग्लैड के साथ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये अनप्लीजेंट के साथ यूज़ होता है. तो आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू अनप्लीजेंट है. ठीक, तो ये है अफर्मेटिव मीन्स
प्लीजेंट ग्लैड है, ग्लैड क्या है, प्रेजेंट है, तो आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस. ठीक, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.